दोस्तों जैसे हमारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे, अब मैं यहाँ पर ओ टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरा ऑन हो जाएगा। और देन सेम उसी तरह दोबारा से मैं लॉक करके मैं बी टाइप करता हूँ तो इसकी फ्लैश लाइट यहाँ से जल जाएगी। हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स की कुछ हिडन सीक्रेट फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स और ये ट्रिक आपको जब पता चल जाएंगे तो आप यही बोलेंगे मज़ा आया। दोस्तों ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टैक्स रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। टाइम की वैल्यू को समझते हुए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। दोस्तों बात करते हैं इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स की पहली सीक्रेट ट्रिक की। दोस्तों ट्रिक सेटिंग को कैसे इनेबल करना है मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले बात करते हैं इसके यूजेस। दोस्तों जैसे आपका फ़ोन साइलेंट पे होता है, साइलेंट पे होने के बाद आपके पास कोई इमरजेंसी कॉल आती है तो ना ही आपका फ़ोन रिंगिंग करता है ना ही आपका फ़ोन वाइब्रेट करता है। बट कॉल ज़्यादा इमरजेंसी है, आपको पिकअप करनी चाहिए, कॉल को पिक करना चाहिए, बट हो नहीं पाती क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता। ऐसे में आप एक सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो उसके यूजेस से क्या होता है कि आपके पास कोई रिपीटेड कॉल आती है 15 से 20 मिनट के अंतराल में 3 से 4 बार, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली उस कॉल के लिए रिंगिंग पे चला जाता है। वो कॉल आपके पास रिसीव होने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि आपका फ़ोन रिंगिंग करने लगेगा। उसके लिए आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, उसके बाद आपको मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब। इसको ऑन नहीं करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है रिंगिंग फॉर रिपीटेड कॉल, इस ऑप्शन को आप ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद आपके पास जो भी कॉल आपके साइलेंट पर स्मार्टफोन होगा और 3 से 4 बार जो कॉल आएंगे उसके बाद वो कॉल तीसरी या चौथी बार में आपकी वो कॉल रिंगिंग होने लगेगी और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किसी की कॉल आ रही है और इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं इनकमिंग कॉल्स की सेकंड सीक्रेट ट्रिक की। दोस्तों ये सीक्रेट ट्रिक थोड़ी अमेजिंग है। जैसे आपके पास कोई भी कॉल आती है तो आप डायरेक्टली कॉल को रिसीव करते हैं, बट आपके फ़ोन में एक सेटिंग होती है उसको आप इनेबल कर लेते हो। आप सीधे कॉल आती है अपने कान पर फ़ोन रखेंगे तो कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। उसके लिए हमें करना क्या रहेगा, उसके लिए हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद कन्वेंशनल टूल्स का ऑप्शन मिलता है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद गेस्चर एंड मोशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट टू लर्न टू आंसर कॉल एंड ऑटो स्विच टू रिसीवर, दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। अब आपके पास कोई भी कॉल आती है तो आप डायरेक्टली इस कॉल को अपने कान पर लगाएंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट सीक्रेट ट्रिक की। दोस्तों ये सीक्रेट ट्रिक्स बहुत सारा अमेजिंग है और कुछ यूनिक सी है। उसके लिए मुझे डायरेक्टली जाना पड़ेगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहीं मैं आपको इस ट्रिक को करके दिखाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे हमारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पे, अब मैं यहाँ पर ओ टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें कैमरा ऑन हो जाएगा। और देन सेम इसी तरह दोबारा से मैं लॉक करके मैं बी टाइप करता हूँ तो इसकी फ्लैश लाइट यहाँ से जल जाएगी। तो इस तरह से आप फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जहाँ करना क्या रहेगा, फ़ोन की सेटिंग में जाना है। फ़ोन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, पासवर्ड डाल के फ़ोन को ओपन कर लेता हूँ। पासवर्ड डाल के यहाँ से मैं जाता हूँ सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कन्वेंशनल टूल। कन्वेंशनल टूल पर जाने के बाद गेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। गेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करने का एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन ऑफ गेस्चर, इस पर क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी गेस्चर यहाँ पर मिल जाते हैं। ऐसा ओ टाइप करने पर कैमरा ऑन होगा और बी टाइप करने पर फ्लैश लाइट ऑन होगी, इस तरह से। अब आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिलता है ऐड गेस्चर का। ऐड गेस्चर पर क्लिक करते हैं तो आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं कि राइट स्वैप करेंगे या स्लाइड करेंगे अप में, डाउन में, लेफ्ट में, इस तरीके से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोई नंबर भी ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको किसी को कॉल करनी है तो डायरेक्टली आप एम टाइप करेंगे तो उस पर कॉल लग जाएगी। काफ़ी फीचर इसमें मिल जाते हैं और गेस्चर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है, इसको आप यूज़ कीजिए कॉलिंग के पर्पज़ से और अपने स्मार्टफोन की सेटिंग के पर्पज़ से। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इन तीनों ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल साबित हुई हो आपके लिए तो उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर टैक्स रिलेटेड सभी समस्याओं का समाधान मिलता रहता है। और दोस्तों यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों आपको किसी ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ब्लैक लिस्ट है अपने आप को कैसे रिमूव करें वो आपको जानना है तो आप उसके लिए हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।